हाय बाळको, गुड मॉर्निंग मित्रों। आपणे पाठ छ मालवजी फौजदार एकांकी एमां आपणे स्वाधी पोथीमां पहेलो प्रश्न पूर्यो के नी विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए ए पूर्यो। बीजो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ए पण करी लीधो। त्रीजो सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए ए पण प्रश्न आपणे करी लीधो। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए ए पण आपणे करी लीधो। हवे प्रश्न नंबर पांच, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ए पण छ प्रश्नों सुधी आपणे करेलू। हवे प्रश्न नंबर सात, पेज नंबर 47 पेज ऊपर प्रश्न नंबर सात ए त्यांथी आपणे हवे आ करवानू छे। तो प्रश्न नंबर सात थी आपणे हवे स्वाध्याय पोथीमां फरीथी पूरीशुं, जे अधूरું છે એ આપણે પૂર્ણ કરીશું। તો પ્રશ્ન નંબર સાત, માલવજી શિવાજી કા વધ કરને કે લીએ ક્યો તૈયાર હો ગયા? જવાબ, ક્યોંકિ જબ પિતા કી મૃત્યુ કે બાદ દો વર્ષ હો ગયે થે, બાદ उसने कैसे गुजारा किया, पिछले दिन महीनों से उन्हें पेट पर उनका अन्न मिलना मुश्किल था। उसी समय एक सैनिक ने आकर उसे कहा और धन देने की लालच बताई, इसलिए वे लालच में पट गया था कि मालव जी नो वध करवा माटे शु काम तैयार थई गयो के एना पिताजी ना मृत्यु थयुं एना बे वर्ष थई गया अने एना मम्मी अने पोते गुजारा करवा माटे त्रण महीना सुधी एने काई पण अन्न मळ्युं नहोतुं अने એવા જ સમયે એક સૈનિક આવીને શિવાજીની વધ કરવા માટે એને કહે છે કે હું તમને પૈસા આપીશ, આ લાલચમાં છે શિવાજીના વધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે। પ્રશ્ન નંબર આઠ, અપની હત્યા કે બારે મેં શિવાજીને કોણ કોણ સી શંકાએ વ્યક્ત કી? જવાબ, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने वे मारकर मराठा का राजा बनना चाहता था। उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने राष्ट्र की प्रतिज्ञा पर धब्बा लगाया था। इस प्रकार वे भिन्न भिन्न के शंकाएं व्यक्त की કે એને કઈ કઈ શંકાઓ આપી, તો કે મારકર મરાઠા કા રાજા બનના ચાહતા હતા, કે એને કોઈ હાનિ કોઈને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, કે રાષ્ટ્રના પ્રતિ પર બનવાનો ધબ્બા લાગી દીધો હતો, કે આવી ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓનો છે એને શંકાઓ થઈ। પ્રશ્ન નંબર નવ, તુમ ઇસ એકાંકી કો ઓર कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? क्यों? जवाब, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहोगी। इसमें शिवाजी की क्षमाशीला मालव जी और दिखाई देती है। प्रश्न नंबर दस, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? जवाब, क्योंकि उसे मृत्यु दंड देने की बात की थी। मृत्यु के बाद उसकी माँ का बेसहारा अकेली हो जाएंगी, इसलिए वे
जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि मुहावरों एनो अर्थ आपी अने वाक्य में प्रयोग करवानो छे। तो एमा पेलू छे दंड भोगना, तो एमनो अर्थ थासे सजा पाना। हवे एनु वाक्य बनसे चोर को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ता है के पड़ा। बीजू प्राण न्योछावर करना, तो एमनो अर्थ थासे जीवन समर्पित करना। हवे एनु वाक्य उसने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। त्रीजो वध करना, तो एमनो अर्थ थासे हत्या करना। वाक्य कृष्ण ने कंस का वध किया। चौथु आँखें खोलना, एमनो अर्थ थासे जाग जाना। वाक्य 7 बजे मेरी आँखें खुली रहती है कि खुल जाती है। पांचमू प्राण गवाना, अर्थ जान देना। वाक्य देश के लिए अपने प्राण गवाए। छठू फुट फुट कर भरी होना, फुट फुट कर भरी होना एमनो अर्थ थसे खूब भरी होना। हवे एनु वाक्य वीरता फूट फूट कर भरी है। सातमू कसर न रखना, अर्थ कमी न रखना। वाक्य आपकी सेवा में कोई कसर न रखूंगा। आठमू छाती से लगाना, अर्थ प्रेम करना। वाक्य माँ ने बेटे को छाती से लगाया। नवमू हिम्मत न पड़ना, अर्थ साहस न देना। वाक्य बात करने की हिम्मत न पड़ी। प्रश्न 7, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है? के आ वाक्य छे ए कौन कोने कहे छे? तो एमा पेलू जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? हवे आ वाक्य छे ई कोण बोले छे अने कोने कहे छे? तो के आ उक्ति शिवाजी मालवजी से कहते हैं। शिवाजी बोले छे अने मालवजी ने कहे छे। बीजू मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। जवाब, तो के मालवजी शिवाजी से कहता है कि मालवजी बोले छे अने शिवाजी ने कहे छे। त्रीजू मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ के इमनो जवाब तानाजी शिवाजी से कहते हैं के तानाजी छे ये शिवाजी ने कहे छे। चौथू तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। जवाब, शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि शिवाजी कहे तानाजी ने कहे छे। पांचमा
महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जवाब, दरबान शिवाजी से कहे छे। दरबान कोने कहे छे के शिवाजी ने कहे छे। हवे छठू, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ के ए शिवाजी मालवजी से कहता है। शिवाजी छे, शिवाजी बोले छे अने मालवजी ने कहे छे। सातमू, महाराज यह शरीर आपका है। मालवजी शरीर शिवाजी से कहता है। मालवजी बोले छे अने शिवाजी ने कहे छे। हवे प्रश्न नंबर आठ, नीचे दिए गए शब्द इकाई की जिन जिन वाक्यों में से प्रयोग हुए हो उन वाक्यों को लिखिए। के आपने पाठ में आप्यो छे ए शब्द कोण केवी रीतना क्या केवी रीतना लखेलो आव्यो छे ए वाक्य छे फरीथी आपे लखवानो छे। तो के दृष्टि, तो एनो वाक्य था से शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि देखते हैं। के शिवाजी छे ए प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। बीजू, सत्यवादी तुम सत्य तुम पुत्र सत्यवादी हो। तुम पुत्र सत्यवादी हो। त्रीजू, प्रतिष्ठा मैंने प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया। चौथू, न्योछावर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हवे पांचमू, दर्शन मैं रोज सवेरे दर्शन करती हूँ। झूठ मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सातवां, विश्वास मेरा विश्वास आप रखे। आठवां, मुग्ध वीरता और साहस पर मुग्ध है। नवमू, चिंता रात दिन में चिंता में रहता हूँ। हवे आव्यो प्रश्न नंबर नौ, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांस ले रहा है। वह क्या सोचता होगा बताइए। जवाब, वे कहता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया होगा। उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं करे गी ए सोचे छे। हवे प्रश्न नंबर दस, के निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हवे एक फकरो आप्यो छे एनु आपणे गुजराती में अनुवाद करवानू छे। तो पेला फकरो वाचिए पछी एनो अनुवाद करीशु। पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करो। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न
हटुंगा। હવે એનો ગુજરાતી આપણે ભાષાંતર કરીએ। પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈ વ્યાકુળ છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એક જ ચિંતામાં રહું કે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કેવી રીતે કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। હવે આવ્યું પ્રશ્ન નંબર 11। ઉદાહરણ કે આધારી નીચે દી ગયે શબ્દો કો ઉચિત ક્રમ મેં રખકર અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાયે। ઉદાહરણ છોડકર, પીસને, અપના, બાબુ, લગે, કામ, આટા। તો એનું આખું પૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે। બાબુ અપના કામ છોડકર આટા પીસને લગે। હવે પહેલું છે દેખતે દ્રષ્ટિ સે પ્રેમ શિવાજી ઓર ઉસકી રહે। હવે એનું વાક્ય બનશે શિવાજી ઉસકી ઓર પ્રેમ દ્રષ્ટિ સે દેખતે રહે। બીજું બાત સત્ય હે જો ઉસે અવશ્ય બતા મે દુંગા। એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનશે જો સત્ય હે ઉસે મે અવશ્ય બતા દુંગા। હવે ત્રીજું ક્યા તુમ્હારે ફિર મન મે બાત થી। હવે વાક્ય ફિર તુમ્હારે મન મે ક્યા બાત થી। ચોથું પ્રાણ ન્યોછાવર અપને દેશ કી લીએ રક્ષા કે ઉન્હોને કર દીએ। હવે વાક્ય ઉન્હોને દેશ કી રક્ષા કે લીએ અપને પ્રાણ ન્યોછાવર કર દીએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 12। નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં સે વિશેષણ છાંટ કર ઉનકે ભેદ લિખીએ। હવે વિશેષણ છે અને એ શો ભેદ છે એ લખવાનું છે। હવે વિશેષણ કયો બનશે તો પરિશ્રમી છાત્ર કભી અસફળતા નહીં હોતે। તો એનું થશે પેલા વિશેષણ, તો કે પરિશ્રમી, પરિશ્રમી છે એનો વિશેષણ થશે અને ભેદ ક્યું ભેદ થશે તો કે ગુણવાચક, ક્યું આવશે ગુણવાચક। બીજું અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા, 20 કિલો એ થશે વિશેષણ અને ક્યું બનશે ભેદ તો કે પરિમાણવાચક, કયો બનશે પરિમાણવાચક। ત્રીજું રામને 5 મીટર કપડાં ખરીદા, તો કે 5 મીટર છે એ વિશેષણ થશે અને ભેદ થશે પરિમાણવાચક। ચોથું 25 છાત્રોને સહી ઉત્તર દિયા, હવે એ થશે 25 છે એ વિશેષણ થશે અને ભેદ થશે સંખ્યાવાચક। હવે 7, 5મું દીપાવલી પર હમને બહુત મીઠાઈ ખરીદી, બહુત છે એ વિશેષણ થશે અને ભેદ છે એ પરિમાણવાચક। હવે 6ઠું રેશમા કે પાસ 3 કિતાબે હે, 3 છે એ વિશેષણ થશે અને ભેદ છે એ સંખ્યાવાચક થશે। કુછ લડકે બગીચે મેં ખેલ રહે હે,
કૂચ છે એ વિશેષણ થશે અને ભેદ છે અનિશ્ચિત વાચક. આઠમું, માને ચાય મેં થોડા દૂધ ડાલા, થોડા છે એ વિશેષણ બન્યું અને ભેદ છે એ પરિમાણવાચક. હવે નવમું, વે લડકે શોર મચા રહે થે, વે અને ભેદ થશે સર્વનામિક વાચક. દસમું, આપ કિસ આદમી કી બાત કર રહે હે, કિસ છે એ વિશેષણ અને ભેદ થશે સર્વનામિક વાચક. તો અહીંયા છે એ પ્રવૃત્તિ આવે છે. તો અહીંયા આપણે પાઠ છ છે એ આખો પૂર્ણ થાય છે. તો આપણે પાઠ છ એ આખો સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરી લેવાનો છે. પ્રશ્ન છથી જે અધૂરું હતું, સાત પ્રશ્નથી, પ્રશ્ન પાંચથી સાતમો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન છથી, પ્રશ્ન સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર ને બાર, એ બધું છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે પૂરી લેવાનું છે. હવે આવતા પીરિયડમાં આપણે પાઠ સાતમો છે એ જોશું.